अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि सेम स्पीशीज के अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन जो है, इट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का। अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसके ऊपर किसी इंडिविजुअल की सर्वाइवल डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर अगर वो फूड ऑब्टेन ना करे या शिकारियों से ना बचे तो उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो उसकी सर्वाइवल के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन फिर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर किसी स्पीशीज की सर्वाइवल डिपेंड करती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से जब नई जनरेशन पैदा होती है तो उसकी वजह से स्पीशीज और पॉपुलेशंस जो हैं वो नेचर के अंदर कंटिन्यू रहती हैं। इंडिविजुअल्स खत्म हो जाते हैं लेकिन स्पीशीज अल्टीमेटली बाकी रहती है या पॉपुलेशन बाकी रहती है ओवरऑल। तो इस लिहाज से रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन के डिफरेंट तरीकेकार हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जो सबसे बेसिक टाइप की रिप्रोडक्शन है इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक ही पेरेंट से नए इंडिविजुअल बनते हैं। अब ये इंडिविजुअल्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। एक खास किस्म की सेल डिवीजन है माइटोसिस, उसके जरिए से प्रोड्यूस होते हैं। और माइटोसिस में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट और डॉटर सेल्स के अंदर सेम रहता है, और जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट के अंदर मौजूद होते हैं सेम वही करेक्टरिस्टिक जो है वो डॉटर सेल्स में भी जाते हैं। तो यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग सेम करेक्टरिस्टिक्स सेम क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे और तमाम इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होंगे दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनकी तमाम जीन्स जो हैं, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से आ रहे हैं तो उनकी तमाम जीन्स सेम होंगी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके कार से हो सकती है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई के अंदर आमतौर पे स्पोर्स प्रोडक्शन होती है। यीस्ट वगैरह जैसा कि यहाँ पे है तो ये बडिंग के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपको कटिंग्स दिखाई हुई हैं, कलमे हैं, एक गुलाब के पौधे से डिफरेंट कलमे लेके वो जमीन में लगा दी हैं तो ये अल्टीमेटली न्यू प्लांट बना देंगी। इसी तरह प्लांट्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस वगैरह ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ तरीकाकार हैं जिनमें बगैर फर्टिलाइजेशन के बीज बन जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है? बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत जल्दी नए इंडिविजुअल्स, ज्यादा तादाद में नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो पॉपुलेशन का साइज अगर अचानक से इंक्रीज करने की जरूरत हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत फायदा होता है। तमाम इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इसका हम कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी फायदा उठा सकते हैं वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके हाथ कोई ऐसा प्लांट लग गया है जो बहुत ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करता है या टेस्टी फ्रूट बनाता है, या आपके हाथ एक कोई ऐसी गाय लग गई है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करवा सकें तो उन ऑर्गेनिजम्स की, उन इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, और ऐसे में जीन्स जो हैं वो जो पेरेंट के अंदर जीन्स हैं वही ऑफस्प्रिंग में भी जाएंगी। तो प्लांट्स के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टिश्यू कल्चरिंग यूज करते हैं, जबकि एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्लोनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों चीजें क्या हैं हम आगे चल के देखेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पीशीज के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कुछ नुकसान भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर क्लोनिंग के जरिए से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो बड़ा फास्ट होता है, उनकी ऑर्गेनिजम्स जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और उनकी डेथ जल्दी हो जाती है।
इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस को आमतौर पे बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा डिजीज के अगेंस्ट भी वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेजिस्टेंस इतनी अच्छी तरह नहीं रखते, तो बहुत जल्दी डिजीज के अगेंस्ट नुकसान उठाते हैं और मारे जाते हैं। इसके अलावा क्लोनिंग वगैरह और ख़ासतौर पर ह्यूमन क्लोनिंग के हवाले से बहुत सारी मॉरल और सोशल इश्यूज भी हैं कि इंसानों की क्लोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के जरिए से प्रोड्यूस्ड एनिमल्स को कॉमन आम इस्तेमाल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो पहले इनके हवाले से कानून बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर इनके ऊपर फर्दर काम हो सकता है। रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीकाकार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। एक पेरेंट को हम मेल कहते हैं और दूसरे को फीमेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने आपको पीकॉक दिखाया है मोर, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों देखने में डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स जो हैं ये एग प्रोड्यूस करती हैं और मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है ये फर्दर ग्रो करके एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल एक चिक बना देगा। ठीक है जी, तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, उनकी यूनियन होती है और फिर न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट के अंदर मौजूद हैं उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो गैमेट के अंदर जाते हैं। यानी कि इस मोर के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो इसके गैमेट्स के अंदर n n क्रोमोसोम्स जाएंगे, और जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर दोबारा 2n नंबर जो है वो रिस्टोर होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल पेरेंट जो हैं वो हाफ हाफ जीन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जीन्स आपस में जब मिलती हैं तो मिक्सिंग ऑफ जीन्स होती हैं, और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसकी जीन्स ना तो 100% अपने फादर जैसी होंगी और ना ही 100% अपनी मदर जैसी होंगी, तो एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, और इसकी वजह से इस मिक्सिंग की वजह से नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं और वेरिएशन आती है। अब इस वेरिएशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज कर सकते हैं अपने आप को और अडाप्ट होते जाते हैं, और इसकी वजह से एवोल्यूशन चलता है। ठीक है जी, तो एवोल्यूशन जो है वो मिक्सिंग या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के बगैर पॉसिबल नहीं होता, और स्पीशीज जो है उनके चेंज का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। आज के लेक्चर में हम फर्दर देखते हैं तो के प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीकेकार मौजूद हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से होती है, मिसाल के तौर पर लेयरिंग है। लेयरिंग कहते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ प्लांट्स की जड़ें जो हैं प्लांट्स के कुछ तने जो हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें तो ये मिट्टी के नीचे एक टहनी दब गई है। अब ये नीचे से यहाँ पे इसके जड़ें निकल आएंगी, और ये जड़ें जो हैं ये इस आगे वाली टहनी के अगले सिरे को फूड प्रोवाइड करने का, पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करेंगी। बाद में अगर यहाँ से मैं इस टहनी को काट भी दूँ तो ये जड़ें ही इस प्लांट के लिए काफ़ी हैं, तो इस तरह से एक नया प्लांट यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। मोतिये में और स्ट्रॉबेरी वगैरह में इस तरह से नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग भी एक तरीकाकार है, जिसमें एक टहनी लेके आप किसी दूसरी टहनी को काट के उसके ऊपर ये दोनों टहनियाँ जोड़ दें, तो इस तरीके से ये ऊपर वाली टहनी जो है वो नीचे वाली टहनी से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, और आमतौर पे हम ये आम वगैरह की जो मुख्तलिफ किस्में खाते हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीकाकार बडिंग कहलाता है, जिसमें जो है यहाँ पर ये आलू में आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार और ये पांच
पांच डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एक ही आलू से, और ये अगर आप इनको अलग अलग कर दें तो ये पांचों अलग अलग ग्रो कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस बडिंग कहलाता है। इसी तरह कटिंग्स बास पौधों में, मिसाल के तौर पे गुलाब वगैरह के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, उसके अंदर अगर आप टहनी काट के जमीन में दबा दें, एक सिरा उसका जमीन में लगा दें, तो उसके अंदर दबे हुए सिरे से जड़ें निकल आती हैं और इससे कंप्लीट प्लांट जो है वो दोबारा नया बन जाता है। तो इन सब तरीकों में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जहाँ से कटिंग आ रही है या जहाँ से आप ग्राफ्ट लगा रहे हैं या एक ही आलू है, तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं प्लांट्स के अंदर। इसके मुकाबले में प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट, वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये प्लांट्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत एडवांस मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जो इनकी सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं, और ये एडवांस मैकेनिज्म जो हैं, सबसे ज्यादा अडेप्टेशंस इनके अंदर हैं इनकी रिप्रोडक्शन के मेथड में, जो इनको इतना सक्सेसफुल बनाती हैं। मिसाल के तौर पर इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस अडॉप्ट हुई है, यानी कि मुख्तलिफ तरह के फूल और फूलों के गुच्छे बनते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल्स जो हैं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा गैमीट्स की ट्रांसफर के लिए इनके अंदर पॉलन ट्यूब मौजूद होती है। ये पॉलन ग्रेन जो है, जब ये जाके किसी फ्लावर के ऊपर गिरता है तो वहां पर ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, जिसके थ्रू स्पर्म सेल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये पॉलन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम इसको स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा फ्लावर्स, जैसे हमने बात की, तो फ्लावर्स आमतौर पे एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब सीड बन जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी स्टोर्ड फूड होती है, जो इस सीड को जब बाद में जर्मिनेट करेगा तो उस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसी तरह ये सीड जो है, इसके ऊपर सीड कोट मौजूद होता है, और ये सीड कोट हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में उस सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह की डिस्पर्सल के लिए आमतौर पर प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स इनके फ्रूट्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और इनके बीजों को जगह जगह बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे नए इलाकों में जाकर ग्रो कर सकते हैं। अब प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है एनिमल से काफी मुख्तलिफ, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में बेसिकली दो डिफरेंट जनरेशन होती हैं, एक इसके अंदर डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है और एक हैप्लॉइड गेमिटोफाइट होता है। अब डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गेमिटोफाइट आपस में अल्टरनेट करते हैं, यानी कि गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। अब इन दोनों की शक्लें देखने में, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो शक्ल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक का मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि इन दोनों की, दोनों जनरेशंस की शेप और मॉर्फोलॉजी आप एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर दोनों जनरेशन एक दूसरे के सिमिलर हों देखने में, तो उसको हम आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं, यानी कि आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिक का मतलब शेप वाली। तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में नहीं होती, ज्यादातर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, दोनों जनरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस के जरिए से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो उसके नतीजे में गेमिटोफाइट बनता है, जो कि बजाते खुद हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड गेमिटोफाइट माइटोसिस के जरिए से हैप्लॉइड गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, और ये दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स होंगे। दोनों गेमीट्स अलग अलग प्लांट्स के गेमीट्स आपस में मिलेंगे और डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जो जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा। तो बेसिकली ये साइकिल कंटिन्यू करता रहता है, जिसको हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब ये इस प्रोसेस की वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आती है, क्योंकि स्पोर्स और गैमीट्स जो हैं
एक दूसरे दूसरे अलग अलग प्लांट्स के गैमीट्स आपस में मिलते हैं और नए इंडिविजुअल्स बना रहे होते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये तो जनरलाइज लाइफ साइकिल था, तमाम प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखें तो इनके अंदर लाइफ साइकिल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब यहाँ पे वही बात है कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। यहाँ पे मेच्योर स्पोरोफाइट आपको दिखाया हुआ है जो कि डाइप्लॉइड है, और ये जो है इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। अब ये फ्लावर्स जो हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर मेल पार्ट भी मौजूद है और फीमेल पार्ट भी मौजूद है। अब मेल पार्ट जो है वो मेनली पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, और फीमेल पार्ट जो है वो उसके अंदर फीमेल गेमिटोफाइट होता है। अब फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर एग बनता है। पॉलन ग्रेन जब आके किसी ओवरी के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो यहाँ से वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होती है, सॉरी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, और पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते पहुंच जाती है एग तक। अब पॉलन ट्यूब के थ्रू फिर वो पॉलन ग्रेन से स्पर्म आता है और आके एग को फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट के ऊपर फिर वो फीमेल गेमिटोफाइट प्लस आउटर कवरिंग्स और उसके अलावा डिफरेंट लेयर्स चढ़ाई जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, और इसके नतीजे में आपका बाकायदा तौर पर सीड बन जाता है। अब ये सीड और प्लस उसके बाहर जो है ओवरी की वॉल, ये मिलकर फ्रूट बनाते हैं, और फ्रूट की वजह से वो सीड्स जो हैं वो नए इलाकों में जाकर डिस्पर्स होते हैं, एनिमल्स इनको ले जाएंगे और किसी जगह पे डाल देंगे। ठीक है जी, अब ये सीड्स फर्दर ग्रो करते हैं अगर इनको एनवायरनमेंट के अंदर सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी, और ये जर्मिनेट करेंगे और कंप्लीट स्पोरोफाइट नया दोबारा बना देंगे। तो लाइफ साइकिल जो है इनका काफी कॉम्प्लेक्स है। अब जब क्या नाम है आपका, सीड बन गया है, पॉलन ग्रेन्स आए हैं और उन्होंने फर्टिलाइज किया है, तो उसके बाद क्या होता है कि ना सिर्फ वहां पे गैमीट्स, पॉलन ग्रेन का काम ना सिर्फ गैमीट्स प्रोवाइड करना है, बल्कि ये स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन का नाम हम पहले चैप्टर 17 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली ऑक्सिन जो है ये फ्रूट बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इसके नतीजे में ओवरी भी स्टिमुलेट होती है और वो मजीद ऑक्सिन प्रोड्यूस करती है, और ज्यादा मिकदार में जब ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से एक फिनोमेना होता है जिसको फ्रूट सेट कहते हैं। फ्रूट सेट क्या है? फ्रूट सेट इज बेसिकली रिटेंशन ऑफ ओवरी ऑन द शूट। अब शूट के ऊपर जो ओवरी लगी हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो फ्लावर पूरा का पूरा वहां से खुश्क होके झड़ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो इन ऑक्सिन्स की वजह से वो ओवरी जो है वो परमानेंटली वहां पर स्टेबल रहती है, और ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ग्रो करके फ्रूट बनाना शुरू कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रूट सेट कहते हैं। अगर फ्रूट सेट ना हो तो फ्लावर की एब्सिशन हो जाती है, यानी कि वो झड़ जाता है, और इसके नतीजे में फ्रूट की यील्ड जो है वो आपकी कम हो जाएगी अगर किसी बाग में लगे हुए हैं तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है फ्रूट राइपनिंग का होगा, यानी फल पकना, जो फल बन रहा है वो ग्रो होगा और पकना शुरू कर देगा। तो ओवरी और सीड से प्रोड्यूस होने वाले ऑक्सिन्स जो हैं ये फ्रूट की डेवलपमेंट स्टिमुलेट करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, मिसाल के तौर पे ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, और इसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट डेवलप होकर मेच्योर होता है, और इसके अलावा ओवरी की वॉल के अंदर फूड रिजर्व जमा होना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सीड्स के अंदर भी फूड जमा होता है, जो दानों के अंदर, बीजों के अंदर फूड होता है। इसके अलावा पेरिकार्प यानी कि ओवरी की वॉल फूड जमा करती है और मेच्योर हो जाती है। अब इस दौरान में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक। इस दौरान रेस्पिरेटरी एक्टिविटी फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फूड बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है, और फिर इथीन की प्रोडक्शन होती है जो कि एक प्लांट हार्मोन है, और उसकी वजह से फ्रूट की राइपनिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है और वो पहले जो सख्ती थी वो अब नरमी में बदल जाती है। जिस वक्त फल कच्चे होते हैं तो उस वक्त ग्रीन कलर के होते हैं और आमतौर पर सख्त होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। जब ये राइप हो जाते हैं तो ये आपको पता है कि वो नरम भी हो जाएंगे और टेस्ट भी उनका स्वीट हो जाएगा और कलर भी उनका चेंज हो जाता है, ब्राइट कलर आ जाता है। अब इसी से एक रिलेटेड एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी।
इस दौरान में होता क्या है कि बेसिकली फ्रूट का पर्पस क्या है कि वो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करवाता है, यानी कि फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होंगे जो अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब बाज दफा ये होता है कि सीड बनते नहीं है और उसके बगैर फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। अब आपने बहुत सारे फ्रूट ऐसे खाए हुए हैं जिनके अंदर बीज नॉर्मली नहीं होते, मिसाल के तौर पे आपने बनाना खाया है तो इसके अंदर बीज आपने कभी नहीं देखे होंगे। इसी तरह पाइन एप्पल और बाज जो ऑरेंजेस वगैरह या ग्रेप्स हैं उनके अंदर भी सीड्स आमतौर पे नहीं होते। तो अगर आप इन इन्हीं प्लांट्स की वाइल्ड टाइप्स देखें तो यानी कि जंगल में उगने वाले जो ये प्लांट्स हैं, तो उनकी वैरायटीज में जो है बनाना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको वाइल्ड टाइप बनाना का सेक्शन दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर आप बहुत सारे सीड्स देख सकते हैं। अब क्या है कि हमने ऐसी वैरायटीज तैयार की हुई है जिनके अंदर बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से वो सीड नहीं बन पाते और सीड बनने से पहले पहले ही फ्रूट बनना शुरू हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसी तरह बाज केसेस में हम आर्टिफिशियली केमिकल्स के जरिए से भी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं थ्रू ऑक्सिन्स, क्योंकि सीड ने भी अल्टीमेटली ऑक्सिन्स प्रोड्यूस करके फ्रूट बनवाना है, तो हम पहले ही अगर ऑक्सिन डाल देंगे तो फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा और सीड नहीं बनेगा। तो मिसाल के तौर पे टोमेटोज में और मिर्चों में और अंगूरों वगैरह के अंदर आर्टिफिशियली ऑक्सिन्स के जरिए से पार्थिनोकार्पी करवाई जा सकती है। इसी तरह एक और प्रोसेस जो है ये एपोमिक्सिस कहलाता है। बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने जैसे देखा है कि रिप्रोडक्शन जब हो रही होती है तो एक प्रोसेस होता है, चैप्टर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके नतीजे में दो चीजें बनती हैं, एक तो डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है और एक ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म का सेल बनता है जो फूड को स्टोर करता है। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप है पार्थिनोजेनेसिस की जिसमें मेल गैमीट यानी के स्पर्म नहीं आता और उसके बरक्स न्यूसेलस या मेगास्पोर का ही कोई ना कोई सेल जो है ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है और ये डाइप्लॉइड होके और ये एम्ब्रियो के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे सीड बन गया है। तो उसके नतीजे में फिर सीड बन जाते हैं, फाल सीड बन जाते हैं जो जिनका तमाम तर जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपनी मदर से ही आया होता है, मेल पेरेंट्स से कोई सेल्स नहीं आते, और इसके नतीजे में फिर फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है और कंप्लीट ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीड डोरमेंसी। बेसिकली सीड्स का काम ये है कि रेस्टिंग कंडीशन में अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करें, यानी कि मिसाल के तौर पे गर्मियों में ग्रो करने वाला प्लांट है उसको एक खास टेम्परेचर चाहिए, एक खास हीट चाहिए, खास अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, और सर्दियों में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब जब गर्मियों का एंड आता है तो उस वक्त उसके अंदर सीड्स बनने का प्रोसेस हो रहा है, सीड्स बन गए हैं। अब वो सीड अगर जमीन पे गिरते साथ ही ग्रो करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आगे से सर्दी आ जाएगी और सर्दी में वो छोटा सा प्लांट है अभी इतना ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ है तो वो सर्दी की वजह से मर जाएगा। तो सीड्स में इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सीड डोरमेंसी होती है जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं करते और उस वक्त तक वेट करते हैं जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो खत्म नहीं हो जाती, मिसाल के तौर पे जब तक पानी की अवेलेबिलिटी और लो टेम्परेचर यानी कि सर्दी का मसला सॉल्व नहीं हो जाता। इस दौरान में सेल्स सीड के सेल्स के अंदर बहुत थोड़ा या बिल्कुल ना होने के बराबर जो है मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है और ऑलमोस्ट वो डेड होते हैं। और इवन ये कि अगर वक्ती तौर पे कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट स्पेल आ जाए सूटेबल कंडीशंस का तो उससे भी ये डोरमेंसी ये स्लीप खत्म नहीं होती उनकी, बल्कि यानी कि सर्दियों में अगर कुछ दिन के लिए अचानक 5-10 दिनों के लिए गर्म दिन आ जाए और फिर दोबारा सर्दी शुरू हो जाए तो भी वो सीड सोए पड़े रहते हैं, वो जागते नहीं है। उनको जर्मिनेशन के लिए स्टिमुलेट करने के लिए बड़े प्रिसाइज क्यूज की जरूरत होती है, यानी कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर, गैसेस की अवेलेबिलिटी और हॉर्मोन्स की अवेलेबिलिटी जो है ये सारी चीजें बड़ी प्रिसाइज अमाउंट में मौजूद होंगी तो फिर जर्मिनेशन शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ये सब कब अवेलेबल होगा, जब दोबारा बहार आएगी तो ये सीड्स जो हैं वो दोबारा से ग्रो करना शुरू करते हैं। अब
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने बात की थी कि प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल कॉपीज बनानी हो अगर किसी इंपॉर्टेंट प्लांट की, तो आप टिश्यू कल्चर यूज कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर बेसिकली कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स या टिश्यूज इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आपने आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिशेज के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाना है। अब इसके लिए आप करते क्या है कि प्लांट की कैम्बियम टिश्यूज का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। ये वो कैम्बियम टिश्यू वो टिश्यू है जो नॉर्मली फ्लोएम, जाइलम और कॉर्क सेल्स बनवाता है, लेकिन इसको आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स देकर, मसलन साइटोकाइनिंस और ऑक्सिन देकर, इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो कंप्लीट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू कर दे और नए सेल्स, तमाम किस्म के सेल्स बनाना शुरू कर दे, और इसके नतीजे में जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी और शूट्स बनना शुरू हो जाएंगी और कंप्लीट न्यू प्लांट बनेगा जो अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जिससे आपने ये कैम्बियम सेल्स लिए थे। अब इस तरीके से आप किसी इंपॉर्टेंट डिजायर्ड वैरायटी की बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो बड़ी जल्दी लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं। और ये क्योंकि सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं तो इस वजह से ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार हो गया जो हमने खुद बनाया है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, अपने स्पीशीज के नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन की हमने टाइप्स पढ़ी कि एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है, और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की हमने बात की जिसमें हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन्वॉल्व होती है। एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल हमने ब्रीफली देखा। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्रूट सेट, फ्रूट राइपनिंग, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, सीड डॉर्मेंसी और टिश्यू कल्चर के टॉपिक्स हमने एक्सप्लोर किए। थैंक यू।